Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Hafiz from Progress Model School. Today we will start exercise 4.2. Exercise 4.1 जो हमने की थी 4.2 से डिफरेंट इस तरह है कि इसमें 4.2 पे आप मोस्टली फार्मूलाज यूज़ करेंगे और फार्मूला को अप्लाई करते हुए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये जो फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के वो आपको पेज नंबर 83, 84, 85 में गिवन है बुक में. आप उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ से आप इन फार्मूला की मदद से इनकी हेल्प लेते हुए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन वन में वो क्या कहते हैं, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. आपके पास ए प्लस बी भी गिवन है, ए माइनस बी भी गिवन है और आपने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड करना है. ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन है आपको 10 और 6. ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है. मतलब ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं तो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा. मैं इस फार्मूला को ओपन करता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी और सिमिलरली इसको भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस है तो माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए बी प्लस 2 ए बी से कैंसिल. ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2 ए स्केयर और बी स्केयर प्लस 2 बी स्केयर, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर. तो ये राइट साइड के इक्वल आ गए. तो इस वजह से हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल होता है. तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको पर 10 दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू 6 दी हुई है, उसकी जगह ये पुट की 2 उसी तरह और ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी उसी तरह. तो 10 का स्केयर लें 100 हो गया, 6 का स्केयर लें मतलब 36 हो गया और ये एज इट इज़ रहेगा. दोनों का ऐड किया 136, हमारे पास 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है तो आप 2 को इस पे डिवाइड करवा दें 36 पे. 2 इधर भी डिवाइड हो गया, 2 इधर भी, 2 2 से कैंसिल है और इस पे कटेगा तो 68 आ जाएगा. तो ये आपके पास आंसर आ गया. सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन को भी फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प लेके. ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. तो अब आपने करना ये है कि ए प्लस बी भी आपको गिवन है, ए माइनस बी भी गिवन है और ए भी फाइंड करना है. सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया है कि लेफ्ट हैंड साइड आप उठाएं तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी. तो सिमिलरली अब इस फार्मूला को भी ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी, ए स्केयर माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी. तो बाहर वाला माइनस ओपन होगा तो ए स्केयर से बी स्केयर से कट जाएगा तो वो 4 ए बी रह जाएगा. ओके तो अब ए प्लस बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास 5 है, ए माइनस बी की वैल्यूज हमारे पास अंडर रूट 17 है. 5 का स्केयर लिया 25, ये हमारे पास स्केयर रूट से कट गया 17, दोनों को प्लस माइनस किया हमारे पास क्या आ गया 8. तो 4 ए बी एज इट इज़ चलता रहेगा. डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल, 4 2 ज़र 8. तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सिमिलरली आपने अभी स्क्वेयर के फार्मूला अप्लाई किए, अब आपको क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो कि पेज 84 के ऊपर गिवन है आपको. ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी, हमने एक नंबर उठा लिया मतलब वैल्यूज उठा ली जो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ओपन कर लेंगे. ए स्क्वेयर स्क्वेयर फार्मूला जब हमारे पास 3 टर्म्स हों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, बी सी और सी ए. तो 2 कॉमन निकाले उसने बनी, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गई. ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या दी हुई है -1, वो पुट कर दिया. ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास वैल्यू गिवन है कितनी 45, वो पुट कर दिया 2 उसी तरह और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा. 1 का स्केयर 45, 2 उसी तरह सेम और ये भी एज इट इज़ रहेगा. तो अब आप क्या 45 को इधर ले आए, 45 जब इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो इसको प्लस माइनस माइनस हो गया. तो आप 45 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास -44 रह जाएगा. अब 2 को डिवाइड कर लें क्योंकि हमें राइट साइड वाली टर्म्स चाहिए, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो -22, दैट इज योर आंसर. अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. इसमें भी आपके पास सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, यहाँ पे ए बी और सी गिवन थे और वही चीज़ ए बी और बी सी और सी फाइंड, यहाँ पे एम एन और पी गिवन है. तो अब आप एम एन पी 10 दिया हुआ है, एम एन एन पी और एम पी इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू एम स्केयर एन स्केयर और पी स्केयर ये फाइंड करनी है आपने. तो इस पे आप फार्मूला अप्लाई करें तो एम प्लस एन प्लस पी इस पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, 2 कॉमन निकाल लिया अंदर सारी चीज़ आ गई. तो यहाँ पे एम है तो एम प्लस एन प्लस पी पे अकॉर्डिंग टू स्केयर फार्मूला आप अप्लाई किया तो वैल्यू गिवन आपके पास 10 आ गई. यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कोई वैल्यू नहीं, आप इसको एज इट इज़ रहेंगे. 2 उसी तरह ये वैल्यू आपको गिवन है
एम एन एन पी और एम पी, 27 और 27 पुट कर दिया आपने, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। अब इस 54 को उठा के आप 100 तक ले जाएं, तो 100 के पास जाके ये प्लस है, तो उधर जाके ये इक्वल के उस तरफ माइनस हो जाएगा। 100 में से 54 को माइनस करें तो 46 आ गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। तो 4 और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।